आपसे जानना चाहेंगे आपके कोई एक दो शेयर जो आप हमारे दर्शकों के लिए रिसर्च करके लाए हों, चुन चुन करके लेकर के आए हों, क्या कुछ रिकमेंड करना चाहेंगे, उसके बाद फिर अरुण जी से अमूल से बात करवाते हैं। जी तो पहले ये जो शेयर हम कंपनी का नाम बताने जा रहे हैं ये बुनियादी तर्क के आधार पर लंबी अवधि के लिए, तो आपके पास पर्याप्त समय सीमा होनी चाहिए। पहला है धातु क्षेत्र से नॉन फेरस कंपनी हिंडाल्को, 580 तक के लक्ष्य लंबी अवधि के लिए। लंबी अवधि का मतलब जैसे मैंने बताया 12 से 18 महीने या उससे ज्यादा। और दूसरी है गैस क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी, पाइप नेचुरल गैस उपलब्ध कराती है, नाम है MGL लिमिटेड, महानगर गैस लिमिटेड। यहाँ पर लंबी अवधि के लक्ष्य हमने 1225 का रखा है, लेकिन दोनों में ही लंबी अवधि का नजरिया रखिए। तो चलिए, यहाँ पर इन दो कंपनियों में खरीदारी की सलाह यहाँ पर निकल करके आती हुई महानगर गैस लिमिटेड में खरीदारी की सलाह है। अभी 1031 के आसपास चल रहा है, 1225 रुपए के लक्ष्य के साथ यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं। तो खरीदारी की सलाह यहाँ पर निकल करके आती हुई महानगर गैस में। दूसरी कंपनी लेकर के आइए, और दूसरी कंपनी निकल करके आइए हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, 480 के आसपास अभी शेयर चल रहा है, और यहाँ से 100 रुपये ऊपर के लक्ष्य के साथ आप यहाँ पर लंबी अवधि में यहाँ पर 580 रुपये तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। गौरांग सर, आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया, इस कार्यक्रम का आप हिस्सा बने, हमारे दर्शकों का ज्ञानवर्धन किया, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका विपुल जी। जो भी कंपनी के बारे में हमने बातचीत चर्चा की है या राय दी है वो हमारी निजी निवेश नहीं है वहां पर, लेकिन हम इसी तरीके से हमारे क्लाइंट्स को राय देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज के इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। चुन चुन के सेगमेंट पे अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। सर, आज चुन चुन के में कौन सा शेयर आप चुन करके लाए हैं? आईटी इंडेक्स मुझे लग रहा है एक अच्छे रुझान में नजर आ रहा है, वीकनेस अगर आती भी है तो वापस बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी वहां पे वर्क करे, तो परसिस्टेंट सिस्टम मुझे लग रहा है ये यहाँ से काफी अच्छी कर सकती है कंपनी। ओवरऑल मिड कैप आईटी में भी रुझान पॉजिटिव है, तो 5800 के आसपास चल रही है। स्टॉक को बाय करके चले, ऑलमोस्ट 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड नजर आ रहा है। 5700 का स्टॉप लॉस लगा है, मुझे लग रहा है आने वाले शॉर्ट टू मीडियम टर्म में 6100 तक के टारगेट परसिस्टेंट सिस्टम में देखने को मिल सकता है। तो खरीदें 5800-5806 के आसपास अभी शेयर ट्रेड करता हुआ, यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। 100 रुपये नीचे का एक स्टॉप लॉस लगाइए 5700 रुपये पे, और यहाँ पर आपको आने वाले दिनों में 300 रुपये ऊपर के लक्ष्य यानी 6100 रुपये तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल जो है अब यहाँ पे खरीदारी की सलाह है परसिस्टेंट सिस्टम में। अरुण जी, चलते चलते कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से सर? विपुल जी, जो भी आईपीओ पे डिस्कशन हुआ था उस सेम राय हमने क्लाइंट्स को भी दी है, और सिमिलरली कुछ स्टॉक्स पे भी जो डिस्कशन हुए क्लाइंट की पोजीशंस हो सकती है। पर्सनली मेरी कोई पोजीशंस कोई भी स्टॉक में। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए और अपनी राय हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए।